हेलो गाइज, मेरा नाम है तरुण और आज हम सीखेंगे ये पोस्टर बनाना। मैं यहाँ पर सिर्फ अभी आपको पूरा प्रोसेस नहीं समझाऊंगा, बट मैं लेयर्स को ऑफ ऑन ऑफ करके आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसको पूरा कैसे क्रिएट किया है। आई होप इससे आप ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि अगर मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा तो ये काफ़ी टाइम लेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी सारी लेयर्स को पहले ऑफ़ कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने इसमें एक लेयर ली है जिसमें मैंने ग्रेडियंट फिल कर दिया है, तो सिंपल मैंने इसको एक लेयर पे ग्रेडियंट डाल दिया है और मैंने लेयर्स के नाम उस अकॉर्डिंग रख दिए ताकि मैं आपको जल्दी से उसको समझा पाऊँ। तो फर्स्ट में मैंने ये लेयर ऑन कर देता हूँ जिसमें मैंने बर्गर का ऊपर का एक पीस ऊपर का लिया है। सेकंड लेयर को हम ऑन करते हैं जिसमें मैंने कैबेज को कुछ इस तरह से लगाया है और थोड़ा सा ये शेडो इसकी दे दी है, ये अलग से मैंने इसमें ऐड की है, थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए हमने किया है। थर्ड लेयर में ऑन करता हूँ तो एक चीज़ का पीस लिया है मैंने। ये सब इमेजेस हैं, ये सारी इमेजेस मैंने गूगल से उठाई हैं और कुछ यहाँ पे लाके इनको मॉडिफाई किया है। तो इसका ये भी मैं आगे बताऊँगा कि मैंने कैसे इसको इस शेप में कन्वर्ट किया है। अभी हम चलते हैं फोर्थ पे, बर्गर का अंदर का जो पीस होता है, टिक्की होती है जो, उसको मैंने क्रिएट किया था। एंड फोर्थ फाइव पे चलते हैं हम। फाइव में हमारे पास नीचे का बर्गर का जो नीचे का बेस है वो हमने यहाँ बनाया है। एंड फाइव के बाद हम सिक्स पे चलते हैं, तो मैंने एक और लेयर डाली हुई है चीज़ की, जो कि इसी की ही कॉपी लेके मैंने इसकी शेप को थोड़ा सा चेंज किया है। एंड फिर चलते हैं हम सेवन, थोड़ा शेडो ऐड किया है मैंने उसमें ताकि वो रियलिस्टिक सा लगे। उसके बाद फिर मैंने कुछ टमाटो के पीस वहाँ पे लगा दिया है। फिर उसके बाद हम चलते हैं नाइन नंबर पे, कुछ अनियन के पीस हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। नाइन टेन पे चलते हैं, थोड़े से मैंने इधर हवा में थोड़ा सा मतलब अलग इससे ब्लर करके मैंने डाल दिए हैं ताकि वो थोड़ा सा मोशन टाइप सा दिखेगा। ये हो गया 10। 11 पे चलते हैं, थोड़ा मोशन सा क्रिएट होगा उसमें। 12 नंबर पे खोलता हूँ ये, फिर उसके बाद 13 मेरा ये है, इसमें टमाटो का मैंने पीस ये लगाया है, इसी की कॉपी है, थोड़ा सा बस इसको मैंने डिस्टॉर्ट और वो सब किया है ताकि शेप एक जैसी ना लगे, सिमिलर ना लगे। ये था हमारा 13, फिर ये आ गया 14, अगेन मैंने वही टमाटो का पीस लेके यहाँ पे उसको ब्लर कर दिया है, तो ये आ गया है। फिर उसके बाद फिर मैंने बैकग्राउंड में ये बर्गर टेक्स्ट रखा है, इसके ऊपर एक और टेक्स्ट की लेयर दी है जो कि ये है। मैंने इसके ऊपर एक और टेक्स्ट सेम इसकी कॉपी लेके सबके ऊपर मैंने मतलब सारी लेयर्स के टॉप पे मैंने इसको रखा है टेक्स्ट को, ताकि मैं इसको कुछ मर्ज होते हुए दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने इसको अभी इसकी मास्क को ऑफ कर रखा है, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आप देखेंगे इस टेक्स्ट के साथ मर्ज हो रही हैं। तो जी है वो उसके साथ मर्ज हो रहा है, वो पीछे से आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें मैंने इसके साथ की हैं। के बाद फिर मैंने कुछ टेक्स्ट ऊपर ऐड किया है डिलीशियस का बीजी। बैकग्राउंड में मैंने दो चीज़ें कुछ ये यूज़ की हैं, एक मेरे पास कुछ लाइट फ्लेयर्स का कुछ इमेज था, मैंने वो उसमें यूज़ किया है। एंड एक बोके टाइप का कुछ लाइट के बोके जो होते हैं उस तरह का कुछ मेरे पास एक इमेज थी, मैंने उसको बैकग्राउंड में एज ए लेयर मैंने यूज़ कर लिया, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें एक शेप और है जो कि मैंने इसमें यूज़ किया ताकि वो थोड़ा सा मोशन क्रिएट कर रही है, तो ये मैंने लास्ट लेयर पे रख दी है इसमें।
तो ये जिसमें कि लग रहा है कि कुछ रेस से निकल रही हैं बाहर, सन रेस टाइप्स होती हैं। अब मैं इसके इसमें जो मैंने लेयर्स में इसमें यूज़ किया है, मैं इसको इसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये बर्गर मैंने यूज़ किया है, अब इस बर्गर में बर्गर को मैंने कैसे बनाया है, अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मैंने बर्गर का कुछ एक पीस लिया था जिसमें कि यहाँ पर टमाटो और वो सब थे, ऐड थे, तो मैंने उसको सिंपली यहाँ से हटा दिया है, उसको मास्क कर दिया है। एंड इसमें अलग से एक पीस मैंने अलग से जोड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, जो कि मैंने एक अलग से कुछ टुकड़ा लेके यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ताकि वो बर्गर सेम ऐसे लग रहा है। एक सेकंड मैं आपको उसको लेयर को हाइड करके दिखाता हूँ, सिंगल लेयर को, जो ये देखिए इस तरह से ये अलग से कुछ पीस डाला हुआ है ताकि वो उसमें मर्ज हो रहा है, तो वो लग रहा है कि ऐसे कुछ बन है। तो एक्चुअली मुझे कुछ इस तरह की इमेज मिली नहीं थी, तो मैंने खुद से ही क्रिएट की है सारी। तो कोई सब इमेजेस को लेके उनको मर्ज करके तो मैंने वो सब चीज़ें ऐसे ही बनाई हैं, तो कहीं से मेरे को वो एक्चुअल इमेज नहीं मिली है, बट मैंने सारी इस तरह की इमेज क्रिएट की है। जैसे कि अभी ये इस पे चलते हैं, ऑनियन वाले पीस पे जो ये है, इसमें आप अगर आप जाओगे इसमें देखोगे तो ये लेयर्स के अंदर ये है एक लेयर। अगर मैं इसके अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर भी दो लेयर पड़ी हुई हैं मेरी। इसके अंदर एक तो सिंपल ये आउटलाइन है इसकी, अनियन की, बीच में कुछ नहीं था इसमें, तो मैंने एक पार्ट एक्सट्रैक्ट करके अनियन का, तो मैंने यहाँ पे वो फिट किया हुआ है, ठीक है, और ऊपर से थोड़ा कलर बैलेंसिंग की हुई है ताकि वो दिखने में अच्छी लग रही है, वो मर्ज हो रही है, उसका कलर और सब कुछ मर्ज हो रहा है, तो ये मैंने किया हुआ है। ऐसे ही सेम मैंने बाकी सब चीज़ों में किया है। जैसे आप अगर मैं टमाटो का पीस मैं लेता हूँ तो सेम मैंने इसी में, जैसे ये है, मैं इसके अंदर जाऊँगा तो सेम वही चीज़ें हैं कि एक सेकेंड ये है, और ये पीस मैंने अलग बनाया हुआ है, ये अलग है, तो सारे सारा कुछ मैंने कटिंग ऐसे ही कट करके, कहीं से किस कुछ पार्ट उठाया है, कहीं से किसी का कुछ पार्ट उठाया है, तो सारा कुछ ऐसे ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी इमेजेस से मैंने कहीं से कुछ पार्ट कट करके लाया था, तो कहीं पे मैंने इसको रिपीट किया है, सेम चीज़ के साथ है। चीज़ वाले पार्ट में मैंने, अगर आप इसके अंदर जाओगे तो ये इस तरह से है चीज़, जो कि इस तरह की इमेज थी, उसको मैंने जो ये शेप दी है, उस शेप मैंने, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये शेप देखो, अगर मैं यहाँ से रैप करता हूँ तो ये शेप मैंने ऐसे कन्वर्ट की है इसकी। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ लटकाने की कोशिश की है, थोड़ा सा अंदर दबाया है, कहीं किसी पॉइंट पे इसको बाहर निकाला है, तो ये सब चीज़ें मैंने मैन्युअली की हैं इसको शेप देने के लिए। तो एक्चुअली मैं ऐसी इमेज या तो मुझे कोई फोटोग्राफ मिलती तो मैं उसको सिंपली रख पाता, बट मेरे पास ऐसा कुछ था ही नहीं, तो इसलिए मैंने खुद से ये इमेज लेके उनको, उनकी शेप को हमने डिस्टॉर्ट करके ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। तो सेम ऊपर सेम ये वाली भी सेम वही है चीज़ वाली, वही इमेज है सेम, इसको बस मैंने थोड़ा डिस्टॉर्ट किया हुआ है, और ये जो मैंने इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज किया हुआ है, ताकि पर्सपेक्टिव से वो लुक आ रहा है कि वो हाँ दिख रहा है, 3D टाइप व्यू थोड़ा सा उसका दिख रहा है। और इसमें सब में मैंने रैप करके थोड़ा सा करके सारा कुछ इसको डिस्टॉर्ट किया हुआ है, इस तरीके से बनाया हुआ है इसको। तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, मतलब चीज़ों को उठा के कहीं से भी उठा के मर्ज करके उनको बना सकते हो, इजीली बना सकते हो, जैसे कि मैंने ये बनाया है, ये देखने में अच्छा भी लग रहा है। बाकी सारी चीज़ें भी सेम ऐसे ही हैं। बर्गर का बन, अगर मैं ये पार्ट आपको दिखाऊं, तो ये पार्ट है बर्गर का, हमारा नीचे का वाला पार्ट जो है, अगर
मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो ये पार्ट ऐसा था, ठीक है, जिसमें कि ये इस पार्ट को मैंने रिमूव करके इतने पार्ट को मैंने यूज़ किया है, और ऊपर से मैंने पर्सपेक्टिव में गोल कट करके कुछ नया मतलब इसमें लगाया है। जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, अगर मैं ये पीस आपको दिखाऊँ तो इसमें ऐसा लग रहा है कटा हुआ कुछ, ये बर्गर कटा हुआ है। यहाँ पर जो ये ऊपर का जो एरिया है ये मैंने कुछ और अलग तरीके से बनाया है। जैसे मैं ये कुछ ब्रेड का पीस है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेज थी, ये एक्चुअल इमेज है। इसको मैंने सर्कल में मास्क देके और फिर इसको मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो सारा कुछ ऐसे ही करके मैंने बनाया हुआ है। तो चीज़ों को उठा के मर्ज किया है, कहीं से कुछ लाया हूँ, कहीं से कुछ ला के ये सब चीज़ें बनाई हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? एंड अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।